नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं वसीम खान। महज 4 दिन के बारिश में नगर निगम का पोल खुलता नजर आ रहा था, उसके बाद नगर निगम की नींद खुली और जब बोरिंग कैनाल रोड नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे और नाले की सफाई के दौरान आप देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में शराब की बोतलें नाले से निकल रही है। एक तरफ जहाँ नगर निगम की नींद खुली और जो खमियां है, जल जमाव जैसी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही थी उससे निपटारा पाने के लिए जब नाले की सफाई करने ये अधिकारी पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ शराब की बोतलें ही निकल रही थी। शराबबंदी का पोल खुलता नजर आ रहा था, उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित दिखे, गुस्से में दिखे, क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो भी सुन लें। 10 रुपया नहीं मिल रहा है तो वो छोड़िए ना करेगा, क्या इससे बेहतर है कि शराब चालू कर दिया जाए? चालू कर ना दिया जाए तो छोड़ दिया जाए थोड़ी जो छुपे चोरी शराब बेचा जा रहा है, शराबें मिल रही है उससे बढ़िया चालू हो जाए। तो उससे अच्छा कितना आदमी धोते धोते मर जा रहा है, इससे अच्छा चालू कर देने में ना अच्छा है। सही बात, नहीं तो बिल्कुल बिहार से बंद कर देवे। तो बिहार से तो जरा शराब बंद है, तो बिहार से बंद है तो आ कहाँ से रहा है? तो फाइट नीतीश कुमार के फैक्ट्री बना रहेगा, काहे को बोतल होता है? होगा 2000 से कम थोड़ी होगा, कितना अभी नीचे होगा ये बोतल के निकाल दिया। कहाँ से आया है बोतल? नाली में से आया है। नाली में आया है तो का मतलब कि नाली में पैदा थोड़ी होता है, आदमी पी के फेंका है। कौन जगह है? बोरिंग कैनाल रोड पुनाई चौक। तो आपने सुना किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार को स्थानीय लोग कोस रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो ये बोतलें कहाँ से आ रही हैं, ये किस फैक्ट्री से ये बोतलें जो हैं वो बनकर और नाले से निकल रही हैं। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं ये हजारों की संख्या में ये शराब की बोतलें। एक प्रश्न भी है कि आखिर इतनी संख्या में शराब की बोतलें नाले से निकलना शराबबंदी की विफलता को दर्शाता है। स्थानीय लोग का तो ये भी कहना है कि शराबबंदी जो है वो बिहार में पूरी तरीके से लागू नहीं है, शराब जो है वो होम डिलीवरी हो रहा है और घर पे शराब आ जाता है, लोग घर पे पीते हैं और उसके बाद नाले में डाल देते हैं। नतीजा जो है वो आज देखने को मिला जब नगर निगम के कर्मचारी जो है नाले को साफ करने पहुंचे और जल जमाव की जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, महज 4 दिन के बारिश में पटना पानी पानी हो गया था, उस समस्याओं का निपटारा करने जब नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे और नाले की सफाई कर रहे थे, उस दरमियान सिर्फ और सिर्फ शराब की बोतलें ही निकल रही थी। कचड़े तो दिखाई नहीं दे रहे थे, मानो शराब की बोतलों से ही नाला जाम हो गया हो। बहरहाल लोगों का भी यह कहना था कि शराबबंदी को या तो अच्छी तरीके से शराबबंदी को लागू किया जाए और पूरी स्ट्रिक्टली से शराबबंदी पे प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा शराबबंदी जो बिहार में लागू है इसे ख़त्म कर दिया जाए। अब देखना यह है कि बिहार सरकार इस पे क्या पुख्ता कदम उठाते हैं। लाइव सिटीज तमाम दृश्यों से आपको अपडेट रखता रहेगा। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम लगातार आपको अपडेट रख सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।